भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों और असम के भाई बहनों को मैं यहां इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। मुझे याद है बीजेपी के आने से, सरकार बनने से पहले वाले चुनाव में मैंने अपने हर भाषण में कहा था कि अगर असम में बीजेपी सरकार बनाएगी तो जो शांति है, प्रगति है, भाईचारा है, वो खत्म हो जाएगा और असम में एक बार फिर अहिंसा होगी। हर भाषण में मैंने कहा था और आज मुझे ये बात दोहराने पर दुख हो रहा है, क्योंकि यही सच साबित हुआ। असम से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं स्टेट से आपको कहता हूं, पहली बार मैं यहां 15-16 साल पहले आया था और उस समय मुझे असम की संस्कृति, असम के विचार, असम के महापुरुषों के बारे में कुछ मालूम नहीं था। आपसे मिला आपने मुझे शंकर देव जी के बारे में बताया, बाकी महापुरुषों के बारे में बताया, असम की हिस्ट्री के बारे में बताया और मुझे यह नहीं कहता हूं कि बहुत कुछ असम के बारे में पता लगा, मगर जो आपकी नींव है वो मुझे समझ आई और जो आपने मुझे सिखाया भाईचारे के बारे में, एक दूसरे की इज्जत के बारे में, सबको लेकर चलने के बारे में, वो मैंने आपसे सीखा। और बाकी प्रदेशों में भाषणों में मैं जो आपने सिखाया बोलता हूं। मैं कहता हूं असम की ओर देखिए, अलग अलग विचारधाराएं, पहले हिंसा हुआ करती थी, पूरा प्रदेश एक हुआ, अहिंसा के पथ पे चला, शांति आई, तेजी से प्रगति आई। और आज मैंने यहां श्रद्धांजलि दी, असम के बेटों के लिए, और मुझे दुख हो रहा है, डर लग रहा है कि एक बार फिर यह प्रदेश बीजेपी के कारण हिंसा के रास्ते पे आस्ते आस्ते फिर से लौट रहा है। मैं यहां आपसे राजनीतिक भाषण करने नहीं आया हूं, मैं यहां आपको बताने आया हूं, खुशी में दुख में मैं आपके साथ खड़ा हूं।